गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर ऑन आवर फर्स्ट स्टैंडर्ड जीके सब्जेक्ट। टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर लेसन नंबर 19, 20, 21 एंड 22। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट्स इनसाइड दैट लेसन्स। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 19। इन दिस लेसन we will learn about the famous buildings. India has many famous buildings and monuments. They tell us about our past. Look at the pictures shown below and name them. Use the help box. यहाँ पर आपको कुछ total 5 buildings के pictures दिए हैं और उन buildings के names जो है वो आपको यहाँ पर help box में दिए हैं। ये देखो, यहाँ पर उनकी spellings भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आपको सिर्फ उन बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करना है और उन बिल्डिंग की स्पेलिंग जो है वो आपको उस पिक्चर के नीचे लिखनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज ए रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसी रेड फोर्ट पे से इंडिया के पीपल के सामने स्पीच देते हैं। उसे प्राइम मिनिस्टर स्पीच ऐसा भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ए रेड फोर्ट, REDFORT। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। ओके, सेकंड नंबर पिक्चर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज ए ताजमहल। एंड ताजमहल जो है वो आगरा नाम के सिटी में है और ये सिटी इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में है। ये ताजमहल तकरीबन 500 to 600 ईयर्स ओल्ड है और ये बनाया था मुगल बादशाह, मतलब उस ज़माने के जो इंडिया के बादशाह थे, दिल्ली सल्तनत के या मुगल एम्पायर के, शाहजहां, उन्होंने ये ताजमहल बांधा था। ओके स्टूडेंट्स, आज भी दुनिया भर के लोग इंडिया में सिर्फ ताजमहल देखने को भी आते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। थर्ड, दिस इज ए इंडिया गेट, INDIA GATE। इंडिया गेट इज इन दिल्ली। और नीचे आपको, अगर आप कभी इंडिया गेट गए तो यहाँ पर आपको एक सोल्जर की गन दिखाई देगी और वहाँ पर है अमर जवान ज्योति। नेक्स्ट, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज ऑल्सो इन दिल्ली। ओके, स्पेलिंग इज QUTUB कुतुब MINAR मीनार। फाइव, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर कंट्री, दिस इज ए पार्लियामेंट हाउस। ये वही हाउस है जहाँ पर इंडिया के बारे में सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं और हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी, सारे मिनिस्टर्स, सारे MPs वो भी यहाँ पर बैठते हैं। सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट कभी पार्लियामेंट हाउस में नहीं आते। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ए पार्लियामेंट हाउस, स्पेलिंग इज PARLIAMENT पार्लियामेंट हाउस, HOUSE। ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ओके स्टूडेंट्स, शाहजहां द्वारा वो बांधा गया था। नेक्स्ट, आई लव माई इंडिया। डू यू नो वाई द इंडियन नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द ट्री कलर? दिस इज बिकॉज देयर आर थ्री कलर्स इन इट। कलर द पिक्चर ऑफ द इंडियन फ्लैग गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग दिया हुआ है और आपकी एक्टिविटी ये है इस लेसन की कि आपको ये फ्लैग ड्रॉ करना है, मतलब इसमें आपको कलर भरना है। यहाँ पर कलर आएगा सेफ्रॉन, यहां पर आएगा व्हाइट और यहां पर आएगा ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको कलर करना है। सो यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द कलर ऑफ द टॉप बैंड ऑफ द फ्लैग इज सैफ्रॉन, स्पेलिंग इज SAFFRON सैफ्रॉन। सेकंड, द व्हील मींस द चक्र इन द फ्लैग इज कॉल्ड अशोक चक्र, ASHOKA अशोका
CHAKRA Ashoka Chakra. Then the number of the spokes in the wheel is 24. The first woman president of India was Pratibha Tai Patil. And fifth number question, the 13th president of India was Pranab Mukherjee. 13 मतलब अभी के जो हमारे प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ जी कोविंद, ये हमारे 14th प्रेसिडेंट है इंडिया के. अब इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्री प्रणब मुखर्जी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर लेसन नंबर 20, आई लव माय इंडिया. नेक्स्ट लेसन, एनिमल किंगडम. एनिमल्स लिव ऑन लैंड और इन वाटर. सम एनिमल्स कैन फ्लाई इन द स्काई. राइट लैंड फॉर लैंड एनिमल्स, वॉटर फॉर वॉटर एनिमल्स एंड स्काई फॉर दोज हु कैन फ्लाई. वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पर देखो टोटल आपको दिखेंगे कि टोटल 12 एनिमल्स के पिक्चर दिए हैं और उन्हीं एनिमल्स के नेम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं. अब हमें उसके नीचे वो एनिमल वॉटर में सर्वाइव करता है, वो एनिमल जमीन पर रहता है, कि वो एनिमल उड़ भी सकता है, वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. अगर वो एनिमल जमीन पर रहता होगा तो हमें लिखना है नीचे लैंड. अगर वो एनिमल पानी में रहता होगा तो हम लिखेंगे वाटर. और अगर वो एनिमल या वो अगर बर्ड होगा और वो उड़ता होगा तो हम उसे लिखेंगे स्काई. ओके, जैसे देखो यहाँ पर फिश, दिस इज अ फिश. क्योंकि फिश पानी में रहती है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है वाटर, water, वाटर. नेक्स्ट पिजन. पिजन मीन्स कबूतर. ये देखो पिजन. अब पिजन क्या करता है, पिजन तो फ्लाई करता है इसलिए हमने लिखा यहाँ पर स्काई, SKY स्काई. देन एलिफंट. व्हाट अबाउट हिज एलिफंट, तो जमीन पर रहता है इसलिए हमने लिखा यहाँ पर लैंड, LAND लैंड. देन क्रो, ये देखो क्रो, क्रो भी उड़ता है इसलिए हमने लिखा स्काई, SKY. देन व्हेल, दिस इज अ ब्लू व्हेल. व्हेल क्योंकि व्हेल पानी में रहती है इसलिए हमने लिखा यहाँ पर वाटर, WATER वाटर. देन क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा. अब क्रैब भी जमीन पर रहता है लेकिन वो पानी में भी रहता है इसलिए हमने इसको लिखा है वाटर एंड लैंड, क्योंकि केकड़ा पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रह सकता है. देन कैट, ऑब्वियसली लैंड. टाइगर, टाइगर का भी आएगा लैंड. देन मंकी, मंकी भले ही ट्रीज पर रहते हो लेकिन ट्रीज तो होती है लैंड पर ही क्योंकि वो उड़ नहीं सकते, और क्योंकि मंकी पानी में नहीं रहते इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है लैंड. देन एट नंबर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का आएगा वाटर. देन स्पैरो, स्पैरो भी उड़ती है इसलिए स्पैरो का हमने लिखा है स्काई. देन 12th नंबर, इट्स ए गोट. गोट भी जमीन पर रहती है, हमने लिखा है लैंड. सम एनिमल्स सच एज हिप्पोपोटेमस, फ्रॉग एंड सेलेमेंडर्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. देन 22 नंबर लेसन जो है राइम टाइम. लास्ट ईयर आप लोग सीनियर केजी में थे तो सीनियर केजी में और जूनियर केजी में आपको कुछ पोएम्स थी, सो यहाँ पर उन पोएम्स के ही कुछ पिक्चर्स दिए हैं और वो पोएम के कुछ जो स्टांजाज है वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. जैसे सम नर्सरी राइम्स आर गिवन बिलो, मैच द पिक्चर्स विद द राइम. फर्स्ट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. सो उसमें जो पिक्चर था वो ये था, ये देखो ये लिटिल स्टार है और ये बच्चा दूरबीन से उस स्टार को देखता रहता है. ओके, सो आंसर आएगा ब्रैकेट में डी. नेक्स्ट, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल. तो उसका पिक्चर आएगा ये देखो सी, ये हम्प्टी डम्प्टी है और वो किस पर बैठा रहता है, वो बैठा रहता है एक वॉल पर. नेक्स्ट, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन द कॉर्नर. अब लिटिल जैक हॉर्नर का जो पिक्चर था वो था ये वाला ई, ये था लिटिल जैक हॉर्नर जो एक कॉर्नर में बैठा रहता है. देन फोर्थ नंबर, डिंग डोंग बेल
पुसी इज इन द व्हेल. पुसी मीन्स कैट. ये कैट व्हेल में गिर जाती है. सो उसका नंबर आएगा बी, क्योंकि उस पोएम का पिक्चर था ये वाला. ओके. देन हिक्टरी डिक्टरी डॉग द माउस रैन इन द सॉरी हिक्टरी डिक्टरी डॉग द माउस एंड अप इन द क्लॉक. सो उसका पिक्चर आएगा ये वाला, क्योंकि पिक्चर से ही दिख रहा है दिस इज ए क्लॉक एंड ये माउस है जो रैन अप इन द क्लॉक. जो किस में घुस रहा है, वो एक क्लॉक में घुस रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज अवर लेसन नंबर 19, 20, 21 एंड 22 ऑफ अवर फर्स्ट स्टैंडर्ड जेके सब्जेक्ट. थैंक यू.